नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। डायबिटिक, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिस्पांस? कि शुगर हो गई है आपके पड़ोसी को, नहीं आप ही को शुगर हो गई है, तो इसको लेके क्या आपका फर्स्ट थॉट था? आई हैव नेवर, आई अंडरस्टैंड इट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट मैंने कभी इसको इतना सीरियस सम एडजस्टमेंट्स, दैट्स व्हाट आई कैन से। आई ऑलवेज फील एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, कोच एंड यू नो आई सो मेनी स्पोर्ट्स मैन, इंपॉसिबल इज दिस इज स्पेशली रिलेवेंट इन अ कंडीशन लाइक टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें पीछे से बवाल हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने बोला जी मैंने इसकी टाइप 1 डायबिटीज ठीक कर दी। मैंने अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं होटल हयात में, जहां पे एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस हो रही है हेल्दी हार्मोन्स पे। हार्मोन्स एक हमारे शरीर के ऐसे तत्व हैं, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो कई तरह की बीमारियां हमें दे सकते हैं। उसी के बारे में जानते हैं डॉक्टर सचिन हमारे साथ, सचिन मित्तल हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है हार्मोन्स हमारे ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। सो धन्यवाद। जिस तरह से गाड़ी को फ्यूल यानी कि ईंधन यानी कि पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारे शरीर के लिए हार्मोन्स का रस ज़रूरी होता है। अगर हमारे हार्मोन्स हेल्दी हों तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर हेल्दी रहेगा। हार्मोन्स की प्रॉब्लम से कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे शुगर यानी कि डायबिटीज़, थायराइड की प्रॉब्लम, कैल्शियम की प्रॉब्लम यानी कि पैराथायरॉयड की ग्रंथि से प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, फीमेल्स का हार्मोनल इंबैलेंस जिससे पीसीओडी की समस्या, चेहरे पे बॉडी पे बाल की समस्या या फिर मेंसेस की समस्या, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल की प्रॉब्लम्स इत्यादि। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे एक जीवन का अभिन्न भाग बन चुकी हैं, और अगर हम इनको सही ढंग से साइंटिफिक अप्रोच से ट्रीट करें, उससे हमारा जीवन स्वस्थ और लंबा हो सकता है और बीमारी मुक्त रह सकता है। सर, इसकी इम्बैलेंस, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह क्या रहती है? हार्मोन्स वजह बहुत सारी हो सकती है। एक तो हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह हो सकती है हमारा गंदा खान पान, अच्छी डाइट ना होना, मोटापा, उससे क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की प्रॉब्लम शुरू होती है, उससे क्या होता है कि कल को डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। उसके सिवाय कई लोगों को शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसके कारण हमारा थायराइड का ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या हो जाती है। इसको जैसे हम मानते हैं, एक आम धारणा है कि डायबिटीज़ के साथ जो है ज़िंदगी बड़ी दूभर हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी हम कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे कि ये बताया जा रहा था कि डायबिटीज़ के साथ भी आदमी बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। बिल्कुल, डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि कोई बोझ है, या डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन ख़त्म हो गया। डायबिटीज़ के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हो। आप, जैसे मैं बोलता हूँ, यू कैन विन ओवर डायबिटीज़। यस, यू कैन विन ओवर डायबिटीज़। एंड किस तरह से आप विन ओवर कर सकते हो? आप विन ओवर कर सकते हो डायबिटीज़ से बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। एक सही ढंग से ट्रीटमेंट की कार्यशैली को फॉलो करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। उसमें डाइट का भी रोल रहता है, सही ढंग से खान पान। सही ढंग से खान पान का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं खाना, सही ढंग से खान पान का मतलब ये है कि अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट खाना है। एक्सरसाइज का बहुत रोल रहता है, एंड सेफ इफेक्टिव मेडिसिन जो आपके शरीर में फ़ायदा ज़्यादा करे, नुकसान कम करे, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपने एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर की सही सलाह से अगर आप उसको सही ढंग से ट्रीट करते हैं तो लंबे समय में प्रॉब्लम कम होगी आपको। सर, हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसा आपने बताया कि हार्मोन्स इम्बैलेंस, कौन कौन सा सिस्टम जो है हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से जो है प्रभावित होता है? बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में हार्मोन्स के इम्बैलेंस से प्रभावित होते हैं। शुगर की समस्या, जैसे आप जानते हैं कि शुगर ब्लड में होती है, ब्लड से बढ़ी हुई शुगर शरीर के हर सेल में जाती है, तो उससे चीनी सना ब्लड जहाँ जहाँ जाता है वो नुकसान करता है, तो आईज़, हार्ट, नर्व, ब्रेन, किडनी सब पे असर डालता है। इसी तरह से थायराइड की समस्या अगर सही ढंग से ट्रीट ना हो तो बहुत तरह की समस्या होती है, जैसे स्किन से लेके, हेयर से लेके, हड्डियों से लेके, किडनी से लेके, ब्रेन, सब तरह की प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस से लेके, महिलाओं के कंसेप्शन की प्रॉब्लम से लेके हर समस्या का समस्या हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर होना, जिसके कारण हड्डियाँ टूटने की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके सिवाय
और कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, फीमेल्स के चेहरे पर बॉडी पर बाल आना और इम्बैलेंस के कारण थोड़ा सा कंसेप्शन की डिफ़िकल्टी आना। एक जनरल कोविड के टाइम में ऐसा चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी लेकिन कोविड होने के बाद उनको डायबिटीज़ हो गया, या जिनको डायबिटीज़ थी तो उनका डायबिटीज़ दूर चला गया। तो ये किस वजह से हो रहा है और क्या इसके पीछे कारण रहे हैं? तो जैसे आपने सही बोला, दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो है कि जिनको डायबिटीज़ नहीं थी तो वो लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, लोग ज़्यादा देर अपने घर में थे, लोगों का फिज़िकल एक्टिविटी कम हुआ और बैठे बैठे खाना पाना ज़्यादा हुआ, उसके कारण कई सारी लोगों का जैसे बच्चों का एक्टिविटी कम हुआ, स्कूल जाना बंद हुआ, घर में सारा दिन रहना, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम होने के कारण बच्चों का, यंग अडल्ट्स का, उनका वेट बढ़ा, वेट बढ़ने के कारण शुगर जल्दी होनी शुरू होगी। कई लोगों को शुगर थी लेकिन स्ट्रेस के कारण बहुत बिगड़ जाती थी, तो जैसे वो लोग घर में अपने परिवार के साथ रहना शुरू हुआ तो स्ट्रेस लेवल कम हो गया, उसके कारण कई लोगों का बेटर रिजल्ट निकला डायबिटीज़ में। कई लोगों की डायबिटीज़ पहले कंट्रोल नहीं हो रही थी लेकिन उस समय ज़्यादा बेटर कंट्रोल हुई। तो दोनों चीज़ें हमने देखी हैं ये पोस्ट कोविड। असली बात यह है कि बेसिक्स पे स्टिक करना है, यानी कि सही ढंग से डाइट, सही ढंग से वॉक, सही ढंग से एक्सरसाइज, सही ढंग से मेडिकेशन, एक सेफ इफेक्टिव प्रोटोकॉल और सही ढंग से मॉनिटरिंग ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ कि एक टेबल है, टेबल की चार टांगे हैं, एक भी टांग कमज़ोर होगी तो टेबल गिर जाएगा। पहली टांग परहेज़, दूसरी टांग सैर, तीसरी टांग रेगुलर चेकअप, जिसमें सिर्फ शुगर का चेकअप नहीं, जो जो चीज़ शुगर से असर पड़ सकती है जैसे आईज, हार्ट, नर्व, ब्रेन, किडनी, एंड चौथे नंबर पे दवाई। तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह पे आप दो टांगे लगा दें और ऐसा नहीं कर सकते कि एक टांग लगा ही ना, तो इसका बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में जैसे हर चीज़ में बैलेंस चाहिए, उसी तरह से आपको ट्रीटमेंट में भी बैलेंस बिठाना ज़रूरी है। आप एक एनजीओ भी सचिन जी चला रहे हैं और सेक्टर 9 में शायद आपका क्लिनिक है, तो किस तरह से आपकी एनजीओ जो है हेल्प करती है जो कि डायबिटिक बच्चे हैं, या और किस तरह की हेल्प आप दे रहे हैं? सो एनजीओ के अंदर हम बहुत सारे जो बच्चे हैं टाइप 1 के जिनको इंसुलिन चल रही है लेकिन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी डाइट को फॉलो करिए। ऐसा मत सोचिए कि खाओ खाना पीना ही लाइफ की एंजॉयमेंट है, हर चीज़ को बैलेंस बिठा के करिए। मॉडरेशन में हर चीज़ आप कर सकते हैं, एक सही ढंग से वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है, काम ज़रूरी है और रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है, डाइट ज़रूरी है एंड एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, एंड सही टाइम पे जांच और दवाई भी ज़रूरी है। दवाई आपने अपने सही एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही करिए। अर्थ प्रकाश के साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर धन्यवाद। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।